रमेश राय जी शिवसेना के नेता हैं, आप ही से ऐसा सर बॉलीवुड पर किसी का कॉपीराइट है सर? करीब 7.5 लाख लोग हर साल, औसतन करीब 2000 लोग एवरीडे मुंबई आते हैं, ऐसे में ये वर्कलोड कम होता है, ये सिटी पर प्रेशर कम होता है, तो दिक्कत क्या है सर? समझ नहीं पाई मैं। देखिए मुंबई शहर जो है वो सभी जात धर्म के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ रहते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। पूरे हिंदुस्तान से क्रीम लोग मुंबई शहर में आते हैं और मुंबा देवी के आशीर्वाद से अपना जीवन यापन यहाँ करते हैं। उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी भाग्य आजमाने के लिए लोग यहाँ आते हैं, उनको हर सुविधा यहाँ मिलती है। और आपने देखा है कि उसी के आधार पर बहुत सारे लोग निखर के गए हैं, लेकिन आने ये 2-3 महीने में जिस तरह से फिल्मी इंडस्ट्री को बदनाम करने का काम कुछ चैनल वालों ने किया टीआरपी के चक्कर में, पूरे इंडस्ट्री को उन्होंने ड्रगिस्ट बना दिया, पूरे इंडस्ट्री को उन्होंने करप्ट बना दिया, पूरे इंडस्ट्री को उन्होंने एकदम एकदम खराब कर दिया, उस तरीके का एक माहौल बनाया गया। और उस माहौल की वजह से उद्धव साहब ने बोला है, कमलेश जी आप दो बातों को मिस कर रहे हैं, कर रहा हूं, जो आप दो बातों को मिस कर रहे हैं सर। मेरा सवाल फिर से सुनिए बोला है प्लीज, क्योंकि देखिए इस डिबेट में, इस डिस्कशन में, इसे डिबेट भी नहीं कहती, डिस्कशन कहती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं दर्शकों को एक 360 डिग्री व्यू मिले इस खबर का। मेरा सवाल आपसे यह है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो इससे बॉलीवुड को क्या दिक्कत हो रही है, उद्धव ठाकरे जी को क्या दिक्कत हो रही है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं सर। उद्धव ठाकरे जी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हैदराबाद में भी फिल्म सिटी है, लेकिन वहां पे प्रांतीय, वहां की क्षेत्रीय भाषा में इतनी पिक्चर बनती है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजपुरी भाषा में जो पिक्चर बनाते हैं वो आप परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते। तो पहले योगी सरकार को उन चीजों को सुधार लाना पड़ेगा, उस तरीके का माहौल बनाना पड़ेगा, वहां पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, 5-स्टार होटल, मॉल, रहने की सुविधा। और यहाँ पे जो इसलिए पसंद करते हैं यहाँ पे बॉलीवुड के लोग कि उनके घर यहाँ पे हैं, सारे टेक्नीशियन यहाँ पे हैं, कलाकार यहाँ पे हैं, और महाराष्ट्र का भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, भोजपुरी फिल्म सिटी में, हाँ, जिस फिल्म सिटी की बात मैं कर रही हूँ वहां पर हिंदी फिल्में बननी है सर, वहां पर ये जो मुंबई में लोग पहुंच रहे हैं 7.5 लाख लोग पर ईयर, उस वर्क लोड को कम करने की कोशिश और रोजगार सृजन, ये कोशिश की जा रही है। मैं अब भी आपकी इस बात को लेकर क्लियर नहीं हूं, उद्धव ठाकरे साहब की इस बात को लेकर क्लियर नहीं हूं कि फिल्म सिटी पर उनको क्या आपत्ति है। दो बातों को यहां पर मिक्स क्यों किया जा रहा है, एक तरफ है बॉलीवुड को बदनाम करने की बात जो कि आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये फिल्म सिटी है। सर लास्ट 30 सेकंड सर, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, फिल्म सिटी से क्या आपत्ति है? फिल्म सिटी से कोई आपत्ति नहीं है महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र के लोगों को, लेकिन जो फिल्म सिटी में काम करने वाले लोग हैं उनको जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं कुछ पत्रकार, कुछ लोग मिल के नेता, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। कौन कर रहा अगर वहां खोलेंगे भी फिल्म सिटी, वहां खुल रही है, उससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे इसके पहले आपने नहीं देखा है अर्णव गोस्वामी लगातार नाच रहे थे इसी चैनल पर, आपके दूसरे चैनल से जुड़े लोगों का इस चैनल पर नाम मत लीजिए, चैनल पे हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, मैं उनके लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, आप जी न्यूज़ पर बैठे हैं, मेरी अकाउंटेबिलिटी हमारे दर्शकों के लिए है, आपने नाम हमारे दर्शकों के लिए है सर। आपने आपने नेताओं की बात की, आपने नेताओं की बात की तो आप मुझे नेताओं के नाम बताइए सर। हाँ नेता अभिनेता जो उनके साथ थे वही थे, वही लोग बदनाम करने का कोशिश किए, उनको जाति और धर्मों में बांटने का कोशिश किए। तो कुल मिलाकर शिवसेना को फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनती है उस पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं हमें फिल्म सिटी पर आपत्ति नहीं है, ये जो बॉलीवुड को बदनाम करने का काम किया जा रहा है इनकी आपत्ति उस पर है। ऐसा मुझे आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के बयान से नहीं लग रहा है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि हम फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को, फिल्म सिटी को कहीं और नहीं खोलने देंगे, कहीं और नहीं जाने देंगे। भाई फिल्म सिटी अगर उत्तर प्रदेश से बनती है तो किसी को आपत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे तो उल्टा जो है, शिवसेना प्रमुख हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे कहते थे कि बहुत लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से मुंबई चले आते हैं इसलिए मुंबई पर बोझ बढ़ता है। 7.5 लाख लोग जो है वो अगर बॉलीवुड में कार्यरत है, आगे और अगर आबादी आती है तो इससे तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बढ़ेगा। ये शिवसेना की 1966 से नीति रही है,
तो 2020 में आकर अचानक वो यू टर्न क्यों मार रहे हैं? अगर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनती है, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर निर्मित होते हैं, वहां फिल्में बनने लगती है, वहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। दूसरा, कमलेश राय जी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत संसाधन है, वहां उत्तर प्रदेश में संसाधन नहीं होंगे, इनको नोएडा का मुझे लगता है कि ठीक से ज्ञान नहीं है। नोएडा में पंचतारा होटल भी है, नोएडा में जो है संसाधन भी उपलब्ध हो सकता है, वहां जेवर का एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट भी निकट है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की संसाधन में भी किसी प्रकार की कोई कमी वहां उत्तर प्रदेश में होने वाली है। यदि फिल्म सिटी का, फिल्म उद्योग का विस्तार होता है तो किसी को असुरक्षा बोध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार जी हमारे साथ, एक्टर नीतीश भारद्वाज भी हैं। नीतीश जी, आपका जी। आप यहाँ पर दो तर्क हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम कमलेश राय जी का एक यू टर्न जरूर है। उद्धव ठाकरे का जो बयान था वो क्लियरली ये कह रहा था कि इस तरह से रिलोकेट नहीं करने दिया जाएगा। कमलेश राय जी कह रहे हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म सिटी को आप रिलोकेट, आप वहां पर भी फिल्म सिटी को ले आइए। लेकिन क्या ये बहस होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है, क्या इस बहस की गुंजाइश, एक यूपी में फिल्म सिटी आती है उसमें इस बहस की गुंजाइश है क्या? क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोजगार सृजन की, हम बात कर रहे हैं एक हिंदी बेल्ट की, और अपने दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बता दो, अगर अगले साल पर ईयर हर साल फिल्म्स के निर्माण की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करूं, तो सबसे ज्यादा हिंदी का परसेंटेज होता है टोटल मार्केट में। जितनी फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं उसमें से 20% फिल्में हिंदी में बनती हैं। जी, तो प्रश्न क्या है सर? प्रश्न यही है कि क्यों इस तरह की बात, अगर फिल्म सिटी खुल रही है यूपी में तो दिक्कत क्या है? यही सवाल है मेरा सीधा सा। मैं इस पक्ष के किसी भी राजनीतिक पक्ष में या राजनीतिक तर्क में या विवाद में उतरना नहीं चाहूंगा। मुझे केवल इतना पता है कि देखिए, जब मुंबई में फिल्म सिटी बनी उसके बाद से आज तक फिल्म उद्योग, पहले जो सिनेमा था, फिर टेलीविजन सीरियल्स हो गए, अब ओटीटी चैनल्स हो गए, अब यूट्यूब चैनल्स हो गए, मीडिया में ही इतनी ग्रोथ हो गई है, न्यूज़ चैनल्स हो गए कि हिंदी भाषी, जैसा आपने कहा ना, हिंदी भाषी सीरियल्स जो हैं वो इतने बढ़ रहे हैं, और सर्वाधिक लोग जो हिंदी भाषी सीरियल्स में काम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो उत्तर भारत से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब स्टेट्स से, पंजाब, इन सब स्टेट से आ रहे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली से आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और फिल्म सिटी की उत्तर भारत में स्कोप है, एक और फिल्म सिटी बनाने का स्कोप है, और उससे होगा ये कि जो बाहर से लोग यहाँ आकर जिस तरह से रहते हैं उनको बहुत तकलीफें होती हैं, जो स्ट्रगलर्स हम कहते हैं ना, जो स्ट्रगलर मुंबई में आता है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मुंबई आसान शहर नहीं है, उसको पता नहीं चार चार पांच पांच छह छह लोग एक मिलके एक कमरा ले लेते हैं, उसमें सो रहे हैं, उसमें ये अपना ही खाना पीना कर रहे हैं, तो ये जो इनको तकलीफें आती हैं, अगर उत्तर भारत में एक और फिल्म सिटी बनती है और आधा काम जो है वो उत्तर भारत में होने लगता है तो उन सबको यहां तक आने की और इतनी तकलीफें सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात यही है कि फिल्म सिटी बना के उसको सक्सेसफुल करना जो है ना वो बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। देखिए, उसमें उतना लोगों का उपयोग फिल्म सिटी का उतना होना चाहिए, तो ये निर्भर करता है कि फिल्म सिटी का जो पूरा एक प्रारूप बनेगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। मैं तो कहता हूं कि केवल फिल्म सिटी नहीं, उसके साथ में FTII का एक सेंटर भी वहां पर होना चाहिए। हमारे पास केवल एक FTII पूना में है, एक सत्यजीत राय इंस्टीट्यूट कलकत्ता में है, और इतना ट्रेंड पर्सनल की बहुत जरूरत होती है, ट्रेंड एक्टर्स, ट्रेंड एडिटर्स, ट्रेंड सिनेमाटोग्राफर्स, ट्रेंड डायरेक्टर्स, तो हमको ये सारा एक्सपैंड करके लोगों की स्किल सेट बनाने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। और अगर वो ये करना चाहते हैं तो उसका वेलकम होना चाहिए, बाकी राजनीतिक विवाद के ऊपर मेरा कोई मत नहीं है। ठीक है, अनुप जलोटा जी, वही सवाल, वो सवाल वही, जब रोजगार सृजन हो रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है, बॉलीवुड के एक एक्सटेंशन के तौर पर इस फिल्म सिटी को देखा जा सकता है, तो फिर आपत्ति क्यों? फिल्म सिटी यूपी में बनने का यह मतलब नहीं है कि शाहरुख खान लखनऊ सेटल हो जाएंगे, ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सलमान खान फैमिली लेकर लखनऊ चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
अरे भाई हैदराबाद में भी तो है, हैदराबाद की फिल्म सिटी इज सो गुड, तो यहाँ से कोई जाके वहां सेटल हुआ क्या? वहां जाके शूटिंग भी करते हैं हमारे यहाँ से लोग, यहाँ भी करते हैं, वहां भी करेंगे। ये तो सब विस्तार है, विस्तार को आदर देना पड़ेगा, ये विस्तार है। यहाँ पर किसी चीज की कोई गलत कोई एक्टिविटी नहीं है। एक मैं तो कहता हूं और जगह पंजाब में भी बनना चाहिए एक फिल्म सिटी, मैं तो कहता हूं एक हरियाणा में बनना चाहिए, क्यों ना बने, इससे तो विस्तार है। क्योंकि आज 130 करोड़ जनता है भारत में, उनको फिल्में देखनी है, फिल्में बहुत कम है, फिल्में और चाहिए, तो उसके लिए जहां जहां ये फिल्म सिटी बनेंगी तो लोगों की तकलीफें दूर होंगी, लोगों को इतनी दूर ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। अब जैसे पटना में किसी को फिल्म बनानी है, उसको मुंबई आना पड़ता है, तो क्यों ना वो लखनऊ चला जाए, वहां जाके बना ले। पंजाब के लोग हैं, क्यों ना, मैं तो कहता हूँ क्यों ना पंजाब में ही एक फिल्म सिटी हो कि वो लोग वहीं बना ले।